तो गाइज आपको ये चीज़ तो पता ही होगा कि पबजी मोबाइल इंडिया हम लोग को बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड हर रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ निकल के आती रहती है जिसमें बताया जाता है कि पबजी मोबाइल इंडिया अब आएगा, कब आएगा, मतलब न्यूज़ चलती ही रहती है। जैसे कि अभी कोई कुछ दिन पहले एक ये न्यूज़ निकल के आ रही थी कि पबजी मोबाइल इंडिया का जो ट्रेलर है वो हम लोग को अप्रैल के मंथ में देखने को मिल जाएगा, और मई मतलब फर्स्ट मई के आसपास अपना पबजी मोबाइल इंडिया हम लोग को देखने को मिल जाएगा। कुछ दिन पहले ये न्यूज़ निकल के आ रही थी, अब ये न्यूज़ भी एकदम बताया जा रहा है कि गलत है। अब यहाँ पर जो दूसरी न्यूज़ निकल के आई है ना, इस न्यूज़ पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, और ये न्यूज़ मुझे एकदम सही निकल मतलब सही लग रही है, ठीक है, सही निकल के नहीं आ रही है, मतलब सही है ये न्यूज़। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो सब कुछ गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, प्रूफ दूंगा। और PUBG मोबाइल इंडिया अब मुझे लगता है कि हम लोग को मई में तो देखने को नहीं मिलने वाला है, लेकिन हम लोग को जून में PUBG मोबाइल इंडिया देखने को मिल सकता है। इस पर मतलब मैं 100% श्योर हूँ, इस बार तो हूँ, मैं कभी भी 100% श्योर नहीं होता हूँ शायद अपनी वीडियो में, मुझे वैसे पता नहीं है, लेकिन मैं जो भी मतलब लेटेस्ट न्यूज़ चलती है वो मैं आपको अपनी वीडियो में बता देता हूँ। अभी यहाँ पर जो PUBG मोबाइल इंडिया रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज गाइस चल रही है ना, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। और गाइस जो मैं आपको आज बताऊंगा ना कि PUBG मोबाइल इंडिया कब आने वाला है, जो अभी लेटेस्ट न्यूज से पता चल रहा है ना, ये वाली न्यूज मुझे एकदम 100% कंफर्म ही जैसा लग रहा है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो तो यार आपको इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। और गाइज ये वीडियो को आपको एंड तक ही देखना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। और अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो में जितना भी मन करे लाइक कर देना, और भाई के चैनल पर जो भी भाई नया हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि PUBG मोबाइल इंडिया से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो आपका भाई सबसे पहले आप लोग के लिए वीडियो लेके आ जाता है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो चलो यारो अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हे गाइज आप देख रहे हो अपने भाई का चैनल KX गेमिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि PUBG मोबाइल जो इंडिया ना वो हम लोग को कब तक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग को ये न्यूज़ में आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था 1 मई को अपना PUBG मोबाइल इंडिया रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ पर ये जो न्यूज़ आई थी वो टेक्ने और रोहिश ने भी कवर की थी, लेकिन अब ये न्यूज़ बताई जा रही है एकदम गलत है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि PUBG मोबाइल जो इंडिया ना वो हम लोग को जून या तो जुलाई के पहले वीक तक ही देखने को मिल जाएगा। अब ये न्यूज़ मुझे एकदम 100% कंफर्म लग रही है, और सही भी है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप जानते होंगे कि PUBG मोबाइल जो कोरियन वर्जन है वो हम लोग का 30 जून के बाद शायद बैन हो जाएगा, इसके सर्वर डाउन कर दिए जाएंगे इंडिया, मतलब सारी कंट्रियों के लिए इसके सर्वर डाउन कर दिए जाएंगे। शायद 2 कंट्रियों में बस PUBG कोरियन वर्जन चलेगा, जो कि एक कोरिया में होगा और एक जापान में होगा, तो यही 2 कंट्री में PUBG कोरिया चलेगा, ठीक है। अब गाइस अगर PUBG मोबाइल कोरियन वर्जन इंडिया से बैन किया जा रहा है तो मतलब क्राफ्टन वाले मतलब इतना दिमागदार हैं कि ऐसा तो नहीं होने देंगे कि PUBG मोबाइल जो खेलते हैं ना इंडिया वाले यूज़र वो मतलब कि PUBG से दूर हो जाएं, ये क्राफ्टन नहीं चाहेगी। तो इसलिए तब तक ही मुझे लग रहा है कि अपना PUBG मोबाइल इंडिया रिलीज़ हो जाएगी इंडिया में, और ये एकदम 100% कन्फर्म ही है। और ऐसे जैसे बताया भी जा रहा था कि 2 या 3 महीने के अंदर ही PUBG मोबाइल इंडिया कन्फर्म रिलीज़ हो जाएगा, ये सारे यूट्यूबर कवर कर रहे हैं, जैसे कि डायनमो हो गए, स्काउट हो गए, ओशन शर्मा हो गए, टेक्निकल गुरु जी हो गए, और टेक्नोलॉजी हो गए, और भी ऐसे यूट्यूबर हैं जो मतलब PUBG मोबाइल इंडिया से रिलेटेड वीडियो डालते हैं या तो PUBG मोबाइल इंडिया के कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि PUBG मोबाइल इंडिया हम लोग को 2 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा, मतलब कि जून या तो जुलाई तक ही 100% कंफर्म हम लोग को PUBG मोबाइल इंडिया देखने को मिलेगा। और ये चीज़ पर मैं भी एकदम कंफर्म कहता हूँ कि PUBG मोबाइल इंडिया हम लोग को जून जुलाई तक ही देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर गाइस मैंने आपको इसका रीज़न भी दे दिया, क्योंकि यार जुलाई तक ही अब PUBG मोबाइल कोरियन वर्जन के सारे सर्वर डाउन कर दिए जाएंगे इंडियन यूज़र के, सारे वैसे कंट्रियों में किए जाएंगे जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये बात एकदम आप सोच लेना कि क्राफ्टन कभी भी नहीं चाहेगी कि इंडिया वाले PUBG मोबाइल को भूल जाएं, ठीक है, क्योंकि जैसे ही अगर इंडिया वाले PUBG मोबाइल को भूलेंगे ना, उसके बाद भी अगर PUBG मोबाइल इंडिया आएगा, काफ़ी दिन से अगर कोई प्लेयर मतलब जो इंडिया वाले यूज़र है अगर PUBG मोबाइल नहीं खेलेगी ना, तो समझो फिर PUBG मोबाइल इंडिया आ भी जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा लोग ट्राई नहीं करेंगे, कुछ यूज़र घट जाएंगे, PUBG मोबाइल खेलेंगे पर कुछ यूज़र नहीं खेलेंगे, वो सोचेंगे छोड़ो यार क्या ही खेले, पर ये चीज़ क्राफ्टन नहीं चाहेगी। इसीलिए मुझे लगता है 30 जून से पहले हो सकता है कि अपना PUBG मोबाइल इंडिया हम लोग को देखने को मिल जाए, प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाए, या इसका बीटा एक्सेस भी आ सकता है, बीटा वर्जन भी आ सकता है कह सकते हो। तो ये चीज़ हम लोग को 30 जून से पहले ही देखने को मिल जाएगा। और गाइस मैं एक मज़े वाली बात बताऊं तो PUBG मोबाइल इंडिया का मुझे लगता है कि मई में हम लोग को ट्रेलर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 1 महीना पहले ही हम लोग को ट्रेलर देखने को मिलेगा, और जिसमें हम लोग को रिलीज डेट कन्फर्म बता दी जाएगी कि PUBG मोबाइल इंडिया हम लोग को कब तक ही देखने को मिल जाएगा। तो मई में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम लोग को PUBG मोबाइल इंडिया का ट्रेलर देखने को मिलेगा। अब गाइज इससे रिलेटेड अगर मेरे पास कोई भी न्यूज़ आएगी तो आपका भाई सबसे पहले आप लोग के लिए वीडियो लेके आ जाएगा। तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ बस यही चल रही है कि हम लोग को जून या तो जुलाई में अपना PUBG मोबाइल इंडिया
देखने को मिल जाएगी। और यही बस अभी लेटेस्ट न्यूज़ है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस न्यूज़ पर आप कितना ज़्यादा भरोसा करते हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मतलब 100 में से इसको कितना नंबर देना चाहोगे, 90 देना चाहोगे, 80 देना चाहोगे, कि 100 में से 100 देना चाहोगे, जो भी आपको लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो हाँ यार, बस इस वीडियो में तो मैं मिलता हूँ आपसे कौन एक कमाल की वीडियो में।